जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना खान साहब और मुझे दिन में कम से कम 300 कॉल आता है और मेरे बेटे मोहनीश इब्ने आजम को भी 300 कॉल आता है। कुछ लोगों को कॉल नहीं उठा पाता। अब कुछ लोगों को कॉल अगर उठ जाता है तो बहुत लाजवाब हो जाता है और उन्हें मैं बहुत अच्छे ढंग से गाइड करता हूँ। इंशाल्लाह वो भी खुश हो जाते हैं और ये एक सीख है, ये आप सीखो देखो। लेकिन हाँ। क्यों भेजेंगे मैं बताओ, मेरे को इसका मुद्दा बताओ। नहीं भावताव हो गया आपसे तो क्या, कितने साल से धंधा कर रहे? तकरीबन हो गया 8-10 साल। 8-10 साल? कितनी उम्र है? 40 साल है। 40 साल उम्र है? 60 साल तक जाते जाते ना बच्चे ऐसे गांड़ पर लात मारेंगे ना, सीधा हो जाओगे। भेज दोगे? तुम सामने वाले पहचानते, तुमको नहीं पैसा दिया तो क्या करोगे? ये कौन सी भाषा? भेज दोगे? जिसको चाहिए आके इधर से लेके जा। ठीक है साहब। क्या कैसे बात करने का? ठीक है खान साहब, ठीक है। नहीं, मैं अब कट मत करो। चलो ठीक है, सॉरी साहब। सुनो, जिसको माल चाहिए ना मेरी जान, क्या बोलेगा? आओ भैया माल है, देखो फोटो है, ये माल है, देख लो, गाड़ी मंगा दो, यही लोड करो, पेमेंट कर दो, लेके जाओ। सही है। अरे कहाँ की भाषा यार तुम सीख रहे? भेज दूंगा। सही है, तुम पहचानते नहीं, पैसा दिया तो क्या करोगे? नहीं नहीं सही है। क्या टेक्निक तुम लोग की? इसके लिए तो पीछे रह गए मेरी जान, ऐसा मत करो। मैं हंसो ना, ये चेंजिंग करो मेरे भाई। नहीं सही है, मैं गलत हंस रहा हूँ। आपकी जो सीख है ना, मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी। नहीं आपके लिए मैं आपके धंधे के लिए दुआ करूंगा, मैं मेरा रब से दुआ करूंगा, लेकिन ये चीज क्यों होना चाहिए? आपकी सलाहियत को मैं सलाम कर रहा हूँ, समझे? हाँ सही है, ऐसा मैंने मान लिया उस चीज को। ये चीज कैसा है? मैं और मेरा दो बार ऐसे डूबा भी है। अरे डूब अरे दो बार डूब भी गया है, फिर भी जो है अक्ल नहीं आ रही थी। सही है, सही। मेरे को ऐसा जो बात करता ना, मैं उसको बहुत खरी खोटी सुना देता हूँ। नहीं सही है तो अच्छा, तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे एक सलाह मिली, मैं खुश हूँ आपकी बातों से, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, अगर किसी बंदे को तुम बोले कहाँ भेजना है, सामने वाला क्या बोले? हाँ भाई जल्दी भेज दो, एड्रेस दे देगा, मैं सेठ जैसे पहुंच जाएगा तब तो पैसे दे दो। अरे तुमको फंसा रहा है यार, तुम फंस रहे हो यार। सही है। ऐसा नहीं रहता मेरी जान। सही है खान साहब, सही है, ऐसा नहीं रहता। और कहीं भी कोई भी मार बेचो, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सपोर्टिंग करूंगा, लेकिन ये सब हमेशा के लिए कबूल करे, आमीन आमीन आमीन। ये चीज हमेशा के लिए, ये चीज, ये शब्द निकाल दो हिस्ट्री से। ठीक है, पहुंच वाला, किसी से पहुंच वाली बात नहीं होना चाहिए आज के बाद। नहीं सही है, नहीं अब जो है मैं कान पकड़ के तोबा करता हूँ, वैसी बात ही नहीं होगी। और मैं डूबा भी हूँ 2-3 बार, जो है सही है ये बात, क्योंकि जो है यही वापी में मैंने माल भेजता था। अरे वाह। और 2-3 गाड़ी जाने के बाद में उसने बोला जो है ये माल गीला है, कच्चा है, पक्का है, और कम से कम तकरीबन जो है 1.5 से 2 लाख रुपया जो है तीनों गाड़ी में मिला के काट लिया। ऐसा होता मेरे भाई, ऐसा होता क्या रहता है? एक मुहावरा है, लोग समझ नहीं पाते, एक मुहावरा क्या बोला जाता है, जब तुम बोलते हो ना कि मैं पहुंच कर दूंगा, अच्छा सब समझ लो, वो जो पहुंच है ना वो मुर्दा है, मुर्दा। जब वो मुर्दा घाट पे जब पहुंच जाता ना, तो वो वापस तो लाओगे नहीं, उसको जलना ही जलना है। सही है, तब क्या करोगे? सही है, मुर्दा। आज तक कभी सोचे हो कोई मुर्दा वापस घर पे आया है? सही है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात आपने बताया। 2 लाख रुपया RTGS मार के माल मंगा लिया सामने वाले ने, और माल जब मैंने भर दिया और माल चले गया और जो है गाड़ी खाली हो गई तीनों, बाद में बोला एक काम करो पैसे वापस दे दो, मेरे को नहीं चलेगा ये। हाँ तो मुर्दा वाली बात जो आपने बताया एकदम बिल्कुल जायज है और सही बात है। जो है अब वहाँ से वापिस अगर कर्नाटका में मंगाऊं कोई मतलब तो 50,000 रुपया भाड़ा लग रहा है। भाड़ा लग रहा, सही बात है, सही बात। एक कंटेनर का भाड़ा 50,000 है। और अगर सामने वाला थोड़ा सा सामने वाला अगर चांस वो कर दिया तो वापस तो ला नहीं पाओगे ना? नहीं नहीं ला पाएंगे। ये सब ध्यान दो, और इसी नंबर पे अगर आपको लगता है खान साहब की जरूरत पड़ेगी आपको, इसी नंबर पे आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर छोड़ दो, इंशाल्लाह हमारे तरफ से आपको हमेशा जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह तो व्हाट्सएप कर दूं? हाँ जी हाँ, इसी व्हाट्सएप पे आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिख दो, और जो जो जरूरत पड़ेगी, मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करता हूँ, ये सब चीज इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा। नीचे ये भी लिख दो, खान साहब आपसे मेरी बात हुई है।
नहीं लिख दूंगा। और याद दिला देना खान साहब, मैं पहुंच वाला हूँ, तो मुझे हमेशा आप याद रहेंगे। इंशाल्लाह जरूर हमेशा याद रहेंगे। काम ये मेरा भाई कर्नाटक वाला पहुंच वाला है। अब मैं पहुंच वाला एक दो बार बोलूंगा, जब मेरे दिल में आप घुस गए ना तो आपको नाम से बुलाऊंगा। सही, इंशाल्लाह जरूर। एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, यहीं रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात मेरे भाई। अगर कोई मिला हो जाएगा ना। वो क्वालिटी उसकी टॉप लेवल की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छे भाव निकल जाएगा इंशाल्लाह। और वो भी देखना वीडियो फोटो अच्छे ढंग से उसको बना के दिन में जाओ, वीडियो फोटो निकालो भेजो। और उसमें ये भी देखना है आपको तो टूटा कितना है, नहीं टूटा कितना है, टूटा भी रहता है नहीं टूटा रहता, दोनों रहता है। हाँ, तो ये अच्छे ढंग से उसका जाके वीडियो बनाओ और दो चार फोटो भेजो, सही वीडियो और फोटो भेजो। कोई भी मार हो, कोई भी मार हो, ज्यादा मेरा प्लास्टिक का काम है तो कोई भी माल रहे वीडियो फोटो भेजो, इंशाल्लाह आपको 4-5 रुपए मार्जिन में कैसे मैं दिलवाता हूँ। तो आपका तो एलडी का कारोबार ज्यादा है ना? सारे सर, हाँ, एलडी पीपी इसका ज्यादा कारोबार है। अभी मैं आपको सारे डिटेल हमारी कंपनी भेज देता हूँ, आप देखो। आपसे बात हो गया, बहुत बड़ी बात ये है। अरे ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, नहीं सही है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि लोग लगाते हैं, नहीं हो पाता है, मैंने पहली बार लगाया है। जब इरादे नेक होते तो मंजिलें आसान होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इरादा करके लगाया था, कुछ यहाँ से अपने को मिलेगा जरूर, इंशाल्लाह जरूर। हालांकि मैं बेच नहीं पा रहा था वो माल। नहीं नहीं, बिक जाएगा, बिक जाएगा। नहीं बेच पा रहा था मैं, और अल्लाह जो है सही बात तो यह है कि जो है अल्लाह ताला जो है बिकवा दे, बहुत बड़ी बात है। मैं कल फोटो देता हूँ, बेफिक्र हो, और कल वो सब फोटो वोटो भेजो। अभी आप नंबर पता सारे लिख दे, ठीक ठीक है, नाम पता मोबाइल नंबर, ठीक ठीक है इंशाल्लाह। एक झलक ऐसा कुछ डाल देना जिससे मैं याद करूँ यही मेरा भाई है इंशाल्लाह। काम साहब ठीक है, ठीक ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, शुक्रिया, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये वीडियो से क्या सीखे, एक कलयुग है और इस कलयुग में आपके साथ फ्रॉड बहुत हो सकता है, सावधानी बरते। मैं अगर किसी बंदे के साथ सख्ती से पेश आता हूँ, सख्ती से बात करता हूँ, तो ये मत समझो कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं कड़क इंसान हूँ, नहीं। मैं आपको हर एक चीज से सावधान करना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड से बचें। जैसे समझ ले कि उदाहरण है, जैसे आपकी गादी है, कापूस की गादी होती ना, वो गादी है, अगर उसमें धूल लाठी मारोगे तो किस लिए मारते हो? धूल निकालने के लिए। लाठी मारने से जैसे धूल निकल जाता वैसे मेरी शक्ति आपको फ्रॉड होने से बचा लेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स खुला है, अपना फीडबैक लिखो उसमें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।